नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल में एरे फॉर्मूला। अभी हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में बताया था कि किस तरह से एक्सेल में हम यूनिक लिस्ट निकाल सकते हैं, और उसके लिए हमने यूज किया था रिमूव डुप्लीकेट एंड फिल्टर, एडवांस फिल्टर, जो कि ऑटोमेटेड नहीं था, मैनुअल था, अपडेट नहीं होता था। तो ऑटोमेटेड के लिए हमने कंपेयरिंग किया था गूगल सीट के यूनिक फार्मूला से। तो हमारे इस वीडियो में हम एरे फार्मूला को गूगल सीट के यूनिक फार्मूला से हम कंपेयर करेंगे। चलिए, तो अगर वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो ज़रूर इसको एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में मेरा नंबर भी नोट कर लीजिएगा, कभी भी किसी तरह का डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे नाम जो भी है रिपीटेड है। मैं चाहता हूँ कि ये नाम यहाँ पे यूनिक आए, एक नाम एक बार ही आया। कोई नाम अगर चेंज हो, जैसे कि हमने मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया राम सिंह, तो राम सिंह किया तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ नीचे राम सिंह आ गया और लिस्ट हमारा बढ़ गया। तो कैसे करेंगे, तो पहले किसके कंसेप्ट को देखिए, इसका कंसेप्ट क्या कहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे मैच का। मैं अगर मैनुअल कंसेप्ट बताऊं तो हम मैच का फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो मैच का फार्मूला क्या करेगा, हमें इसका लोकेशन बता देगा, इसका लोकेशंस क्या है पूरे लिस्ट में। और यहां पे देखिएगा एक लोकेशन दो है, तो नीचे भी आपका दो ही आया कविता, क्योंकि आपका लीनियर देता है इसलिए। तो ये मैच का ही पूरा फंडा होगा। तो चलिए कैसे करते हैं, तो हम यहां पे सबसे पहले स्मॉल का फॉर्मूला लगाएंगे। स्मॉल के फॉर्मूले में हम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, इफ के फॉर्मूले में मैच का फॉर्मूला लगाते हैं, और मैच में हम अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। और क्या ढूंढना है, किस में क्या ढूंढना है, तो मुझे इसी में इसकी को ढूंढना है। और कॉमा हमने 04 दिया एग्जैक्ट मैच, और इसको हम इक्वल करते हैं किसे, रो से, रो, और रो में हमने इस रो ना, इसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट ना करके यहाँ पे हम टू से, और इसके अंदर हमने रोज का फॉर्मूला डालते हैं। रोज फॉर्मूला हमें बताएगा कि ये कितना है, लेकिन इसको एक इसमें होना चाहिए ना, कंबाइन होना चाहिए ना, लेकिन ये दिक्कत होगा, तो इसके लिए हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको छोड़ते हैं, हम सिंपल सी देते हैं एक से लेके चलेगा 69, क्योंकि 69 डेटा है हमारा, 2 से 70 69 है इसलिए। और इसमें क्या डेटा शो करेगा, तो वापस हमने मैच दे दिया कि मैच में हमें वापस वही डेटा सिलेक्ट करेंगे जो डेटा हमने सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें जाएगा और इसी को मैच करेगा, जीरो। ये हमारा इफ का ट्रू पार्ट हो गया। फॉल्स पार्ट के लिए हम ब्लैंक दे देते हैं, और फिर एरे का यहाँ पे एरे का की देना होगा हमें। तो की के लिए जो हमने रो, ये जो रो का फॉर्मूला दिया हुआ, इसी रो का फॉर्मूला हम यहाँ पे दे देंगे। कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, और उसके बाद इसको हम क्लोज करते हैं, और फिर एंटर प्रेस करते हैं। तो एक ये आपका देखिए यहाँ पे नंबर आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली इसने एरर ले लिया। ऐसे आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर कीजिएगा सेलेक्ट करके, अगर आपके पास लोअर वर्जन है, कि हमारा हायर वर्जन, इसलिए दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी डेटा था उस सब का रो नंबर हमको दे दिया, क्या दे दिया, रो नंबर। अब मैं इस रो नंबर के बिहाफ पे इंडेक्स का डेटा लगा सकता हूँ, इंडेक्स। इंडेक्स डेटा में हम इसको सेलेक्ट कर लें एंड कॉमा बोले कि मुझे चाहिए इसमें से पहला रो, तो डेटा आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ मुझे इसके अंदर करनी चाहिए,
तो मैं यहाँ पे इंडेक्स लगाता हूँ और डेटा को सिलेक्ट करता हूँ एंड कॉमा जीरो नहीं, माफ कीजिए, कॉमा दे दिया और हम एंटर करेंगे। लेकिन एंटर मारने में दिक्कत होगा, आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना चाहिए। फिर ये ऑटोमेटिक एरर ले लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारिएगा। और नीचे जो नम नम का फॉर्मूला का एरर आ रहा है, इसके जगह पे हम यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला देंगे और लास्ट में हम देंगे ब्लैंक, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखिए आपका हट गया। अब जैसे नेम इंक्रीज होगा यहाँ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये तो हमारा था एक्सेल की एरे फॉर्मूला, हमने ऑटोमेटिक लिस्ट लिया, जो कि प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑटोमेटिक लिस्ट जो होगा हम बताएंगे। लेकिन अगर गूगल सीट पे इसको सिंपली कैसे किया जाए, जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो गूगल सीट पे इसको सिंपली किया जा सकता है। कैसे देखिए, बस यूनिक फॉर्मूला लगाइए, इक्वल यूनिक, गूगल सीट में यूनिक फॉर्मूला होता है, उसमें आप रेंज को सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, आपके पास ऑटोमेटिक लिस्ट आ गया और ये भी ऑटोमेटेड होता है। तो आप खुद कंपेयरिंग करें कि गूगल सीट आपके लिए बेटर रहेगा या एक्सेल बेटर रहेगा। गूगल सीट पे और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं हमारे साथ, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस देते हैं गूगल सीट की, साथ में हमारे साथ आप ऑनलाइन क्लासेस एडवांस एक्सेल वीडियो माइक्रो एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन की भी ले सकते हैं। यूट्यूब पर हमारा IPT इंडिया कीवर्ड को सर्च करेंगे तो मेरे 2700 से ऊपर वीडियोज आ जाएंगे। और कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरी पेन ड्राइव को परचेज कर सकते हैं या फिर मेरे साथ लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे आपका कॉल का इंतज़ार रहेगा, फटाफट नंबर लीजिए, कॉल कीजिए और हमारी डेमो क्लासेस को एनरोल कीजिए। थैंक यू।